तो हम भी यहाँ पे खोद रहे हैं पानी पीने के लिए, यहाँ से भरेंगे। पानी आ गया भाई, पानी आ गया, ये देखें गाइस। पानी कैसे निकल रहा है देखो, हम पानी पीने के लिए यहाँ से भरेंगे, थोड़ा इसको बड़ा करें। बापू लोग जा रहे हैं, जय माता दी बापू, जय माता दी, जय माता दी बापू। तो भाई आ सफ़र थोड़ा दुखी हो दे अनुशी भाई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, और जय श्री कृष्णा, जय माता हिंगलाजी, जय सनातन धर्म की। तो अभी हम निकल रहे हैं सोराशी घाट के लिए, जिसको हम एक लाइफ का पूरा चक्कर कहते हैं, वो पूरा पूरा हम आपको दिखाने वाले हैं, और वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो अभी मैं और धर्मशी भाई है, और दूसरे हमारे हिंदू भाई है जो मेरे साथ निकलने वाले हैं। तकरीबन हमें 2 से 3 घंटे लगेंगे यहाँ से, और वो पूरा पूरा आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि सोराशी घाट या सोराशी चक्कर को हम बोलते हैं वो क्या होता है और कैसे होता है, पूरा पूरा आपको शेयर करेंगे। तो फिलहाल तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, और सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे लास्ट टाइम मैं गया था मुझे 3 घंटे लगे थे, लेकिन इस दफ़ा देखें भाई क्या सीन है। और वीडियो में जुड़े रहिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो भाई अभी सोराशी का चक्कर स्टार्ट हो चुका है, हम काफ़ी पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं, और ये जो लाइटें नज़र आ रही है अभी यहाँ से शुरू है, वो आपको पता चल रहा होगा कि भाई बोलने से ही पता चल रहा होगा कि क्या सीन है। चलो भाई चलते चलते हैं जहाँ तक। तो गाइस ये हमारा है फर्स्ट प्लेस, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये देखें भाई लोग जा रहे हैं, जय माता दी बाबू, जय माता दी। तो इन ग्रुप के साथ निकलते हैं और सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बोलते हैं ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इट विल बी परफेक्ट। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, लेकिन ये मेरा तीसरा रेस्ट है, और अभी बहुत बड़ा पहाड़ क्रॉस करके, क्योंकि जब हम ऊपर जा रहे हैं ना वो बहुत ऊपर है। भाई कैसा लग रहा है? ठीक ठाक, ठीक ठाक लग रहा है, और गर्मी से अंदाजा लगा सकती हो। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम अभी निकल चुके हैं, और सफ़र अभी बहुत है, और हमने पानी की बोतल भी छोटी सी ली है, और वो भी एक बोतल ली है। अब देखें दो है, दो बंदे, हाँ दो बंदे, छोटी सी बोतल। और यहाँ से आप पहाड़ों का अंदाज़ा लगा ही सकते हो, हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, और काफ़ी लोग पीछे भी आ रहे हैं, बहुत लोग निकल चुके हैं, बट हमने सोचा थोड़ा चांस से निकले ताकि प्रॉपर तरीके से हम घूम के आ जाए। धूप निकल आई तो बिल्कुल चलना नहीं होगा, उस वजह से बोल रहा हूँ। फिलहाल अभी निकल चुके हैं, और देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। अभी थोड़ी बहुत रोशनी हो गई है, और अभी देखने के लिए आपको भी अच्छा लग मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। जी बोला पाल हिंगलाज भैया की जय, तो आवाज़ गूंज रही है। तो पहाड़ों के बीच अभी हम आ चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं राम कुंड, श्री रामचंद्र कुंड कहा जाता है, वो आपको दिखाने वाले। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी गर्मी नहीं है, तो फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गर्मी कितनी लग रही है। अब धूप निकल आई फिर क्या हालत होगी कुछ पता नहीं है। बहरहाल माता रानी कृपा करेंगी, और सुकून से ये जो सोराशी चक्र, जो हमें पूरी अपनी ज़िंदगी का चक्र बोलते हैं कि भाई ज़िंदगी का पड़ाव क्या होता है, वो हम भोगने के लिए या फिर घूमने के लिए या फिर देखने के लिए हम जा रहे हैं। और पहले मैं एक दफ़ा होके गया हूँ, लेकिन इस दफ़ा हमारी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है कि भाई माता हिंगलाज की यात्रा पे निकले हुए हैं, तो एक प्रॉपर के प्रॉपर तरीके से जो भी चीज़ें हैं शेयर की जाए। तो ये उन चीज़ों में से सबसे डिफ़िकल्ट यही है, जिसे हम कहते हैं सोराशी चक्र, सोराशी धाम भी बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा धाम भी कहा जाता है और चक्र भी कहा जाता है हमारी ज़िंदगी का। तो अभी आपको वो दिखा रहे हैं हम, और हम भी इस चक्र से आपके ज़रिए यहाँ से गुजर रहे हैं। तो गाइस यहाँ से अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं काफ़ी, और यहाँ पे शॉप्स भी लगी हुई हैं और होटल भी बनी हुई है चाय की। तो यहाँ पे हम चाय यहाँ पे नहीं पियेंगे, शबरी बिलन पर आगे वहाँ पर अपन चाय पियेंगे, लेकिन छोटी सी दुकान यहाँ पर माता रानी की चुन्नी भी लेके बैठे हैं, और इस सारी चीज़ें और भी। ये चुन्नी कितने की है सर में बांधने वाली?
ये छोटे वाली बड़े वाली छोटे वाली छोटे वाली 50 के अस्सी के ये 50 की है चुन्नी मेरे को लेनी है देखें भाई रिंग वाली नहीं वो वाली और वाली शादी करी थी जय बाबा कैप पहन ली अभी यहाँ पे देखे यहाँ पे शॉप्स लगाई और चाय भी चाय का कप कितने का है चाचा 50 का चाय का कप है जय माता दी। तो यहाँ पे चाची वाले जो सोराची भोगने के लिए निकलते हैं तो थक जाते हैं तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए चाय वगैरह पीते हैं। और यहाँ पे ये छोटा सा बनाया हुआ है माता रानी के चरण और भी बहुत सारे यहाँ पे देखे भाई लोग बैठे हुए चाय बना के। तो जो भी लोग आते जाते हैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और चाय पी के थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं तो सफ़र को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी भी हमारा सफ़र कंटिन्यू है और माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो अभी मैंने चुन्नी ले ली है, पहले चुन्नी नहीं थी तो रात एक माता रानी के लिए मैंने ली थी जो भेंट कर दी माता रानी को। आप सबके लिए भी बहुत दुआएँ की और सबके लिए एक मैंने नारियल भी लिया था मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ताकि मेरा साथ दें और आप लोगों के घर में हमेशा खुशियाँ माता रानी आपके घर में ऐसे ही देती रहें। तो जो भी भाई जुड़े हुए हैं ये स्वराशी चक्र ज़रूर देखें और अपने भाइयों के साथ शेयर करें। हम पूरे सफ़र में हमारे साथ डॉग्स तो नज़र आया ही आया है, आप आगे देख सकते हैं जो यात्री जा रहे हैं स्वराशी धाम उनके साथ एक डॉग भी जा रहा है। ये देखें अभी वापसी आया, कुछ उसको खुशबू आ रही है और ये वापसी आ रही है देखें। तो हमारे साथ डॉग तो साथ ही साथ रहा है, ये देखें कुछ इसको खुशबू आई तो वो देख रहा है। तो अभी सफ़र कंटिन्यू है और अभी यहाँ से नीचे जाएंगे। जय माता दी बापू, यहाँ बिस्किट वगैरह बेचने के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ से ये जो नीचे जाते हैं ना यहाँ पे एक मंदिर आता है सामने, वो हम क्रॉस करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है सीढ़ी जो नीचे उतरते हैं, यहाँ से घूम के सरफ जाएंगे। देखिए यार आजा कम 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 भाई कम, इसको कुछ खुशबू आ रही है यार। टॉमी कम 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 भैया, चलो इसको कुछ खुशबू आ रही है भाई, किस खुशबू आ रही है। चलो भाई चलो आप यात्रा पे चलो। तो गैस यहाँ पे एक मंदिर आया है बीच में जो सामने अपने माता रानी की यात्री ही नज़र आ रहे हैं और यहाँ से हम चलते हैं देखने के लिए अंदर। तो ये माता रानी का मंदिर है, हमें नज़दीक जाके देखें कौन सी माता जी यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे भी ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा उतरने में डिफ़िकल्ट होगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान से चलना है, पाँव वगैरह नहीं फिसले। भाई धर्मशी भाई थोड़ा जल्दी चले, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन ध्यान से चलना है। और यहाँ पे सामने देखे इतना बड़ा पहाड़ उसके नीचे। तो गाइस यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई माता हिंगलाज को पहाड़ों वाली क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि माता रानी का जो आसन है जो मंदिर है पहाड़ों में उसको पहाड़ों वाली शेरा वाली जोता वाली ये सब नाम से माता रानी जानी जाती है। और भव्य मंदिर हमारा जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर माता हिंगलाज का जहां माता रानी ने प्रकट हुई थी या फिर हिंगोल जो हिंगोल राक्षस को मारा था तो इस प्लेस पे माता रानी प्रकट हुई थी। तो सब भाइयों को ऑलरेडी जो QA नाम से मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया हुआ है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो मुझे पता चली तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। और यहाँ से ये देखें हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा फिर ऊपर जाना पड़ेगा, ये रास्ता नज़र आ रहा है वहाँ पे। तो गाइस अभी हम तकरीबन तीसरा रेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने जत्थे के दूसरे भाई भी पहुँच चुके हैं और ये डॉग हमारे साथ ही है, ये चौथा डॉग है जब से हम घर से निकले हैं तब से हमने डॉग हमारे साथ ही है। तो ये भाई लोग भी अभी पहुँच चुके हैं, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करें फिर आगे निकलते हैं। और काफ़ी अच्छा सफ़र जा रहा है लेकिन गर्मी टाइट वाली स्टार्ट हो चुकी है, जब तकरीबन 10-11 का टाइम होगा तो गर्मी और ज़्यादा सख्त हो जाएगी, उस वजह से जितना हो सके हम ट्राई कर रहे हैं कि सफ़र अभी कंप्लीट हो जाए, अभी इतना ज़्यादा नहीं रह गया। ये जो आपको बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है उसके नीचे राम कुंड है,
तकरीबन हमें 15-20 मिनट अभी भी लगेंगे यहाँ से, थोड़ी देर के बाद रेस्ट करके निकलते हैं। तो गाइस अभी निकल चुके हैं हम, थोड़ी देर 5-10 मिनट हमने रेस्ट किया, क्योंकि जितना हो सके धूप निकलने से पहले सफ़र को कवर करें, वरना ये धूप निकल आई तो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बहरहाल अभी निकल चुके हैं धीरे धीरे से भाई, यहाँ से भाई हम यहाँ से जा रहे हैं आराम से उतरा भाई। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ से भी शॉर्टकट है, लेकिन हम यहाँ से जाते हैं। कुछ लोग होके भी आ रहे हैं उस तरफ से, लेकिन हम कोशिश करें। धूप थोड़ी निकल चुकी है क्या? और हम लगे ना, पहले जब हम आए थे ये चीज़ें कुछ भी नहीं थी, और पहले इस रास्ते से गए थे, तो इस रास्ते में थोड़ा डिफिकल्ट है, और वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ियों में जाना पड़ता है नीचे, क्योंकि पानी वगैरह होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उससे जैसे हम सीधा जाएंगे, और ये पहाड़ है, इसके नीचे राम कुंड है, तो यहाँ से ये देखें ये पानी आता है, जो घर बनी हुई है पहले, यहाँ से ये पानी ट्रांसफ़र होता है जब बारिशें वगैरह होती है, तो यहाँ से इस जगह से ईजी रहता है। और ये मेरा सेकेंड टाइम है, तो काफ़ी अच्छा, और हम पहुँच चुके तकरीबन, हमें 1 घंटा 15-20 मिनट हमें यहाँ पे पहुँचने में लगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और सुबह का ठंडा मौसम था, तो हमने आसानी से ये जो सफ़र था तय कर लिया। और अभी आपको दिखाते हैं राम कुंड, जहाँ पे श्री रामचंद्र ने तीर मारा था, तो यहाँ पे पानी निकला था, ऐसे कहा जाता है। हम पहुँच चुके हैं राम कुंड, और ये है श्री रामचंद्र कुंड। ये कहा जाता है कि भाई कि राम जी ने यहाँ पे बाण मारा था, फिर यहाँ पे पानी निकला था, ये है कहा जाता है। लेकिन बाकी की हिस्ट्री आई डोंट नो अबाउट इट, बट यहाँ से आप देख सकते हैं श्री राम कुंड, और यहाँ पे बेल भी है। तो यहाँ पे सामने लोग स्नान करते हैं, और अभी हम उस तरफ चलते हैं हाथ मुँह धो के, फिर हम वापसी निकलेंगे, क्योंकि आरिश भाई वाले हमारा वेट कर रहे होंगे, फिर यहाँ से हमें जल्दी निकलना पड़ेगा हाथ मुँह धो के। फिर वैसे पीने के लिए पानी भी भरते हैं, लेकिन ये पांव डाल के अंदर बैठे हुए। तो ये श्री राम कुंड, यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसी में से पानी यहाँ पे आया हुआ, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लोग स्नान करके अभी जा चुके हैं, और कुछ लोग ही यहाँ पे आए हुए हैं अभी हमारे अलावा, जो अभी निकलने वाले हैं। हम भी यहाँ पे स्नान करके फिर थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। नीचे आ चुके हैं, और यहाँ से यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने स्नान किया था, पता है, यहाँ से अभी इसमें मछलियाँ भी घूम रही हैं। भाई लोगों ने स्नान कर लिया है, अभी मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाता हुआ चलूँ कि भाई यहाँ पे रेती रेत है, और जब थोड़ा सा हाथ से मिट्टी निकालते हैं ना, तो वहाँ पे पानी निकल आता है, इसमें मछलियाँ घूम रही है। ये देखें यहाँ पे है तो रेत, लेकिन जब पानी पीने के लिए यहाँ पे यहाँ से भरते हैं, है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा खड्डा है, ये खोदो, इधर खड्डा खोदो, हम इसमें से पानी, तो यहाँ पे ये देखो लोगों ने काफ़ी खड्डा खोदा हुआ है यहाँ पे। मानते हैं कि बराबर में वो चीज़ें हैं, लेकिन इतना साफ पानी नहीं है होता यहाँ पे, सारी रेत ही रेत है यहाँ पे, पहाड़ों के बीच रेत, और वहाँ पे भी थोड़े ऐसे हम खोदें तो उसमें से पानी, तो कुछ हमारे लिए कुछ नया ही होगा। ये देखें जितना ज़्यादा हम खोदेंगे उतना ज़्यादा पानी आएगा। थोड़ा इसको रोकेंगे, फिर ये पानी बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये देखें यहाँ से ये किया हुआ, यहाँ से भर लो। हाँ वो 15 रही गए, देखो पीले रंग सनान पीते रहे, कर लिया, और अभी यहाँ से निकलते हैं। स्नान कर लिया, रमेश भाई स्नान कर रहे हैं, वो स्नान नहीं कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे जत्थे के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, और कुछ लोग अभी पहुँचे, और ये साहब देखें हमारे साथ ही साथ है। हेलो, ये सिक्योरिटी है हमारी, पूरे जत्थे में हमारे साथ सिक्योरिटी रही है। तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, और दोबारा से अभी वापसी का चक्कर है, अभी चलेंगे हम शबरी बिलन, जो बाग है, जो रामचंद्र के लिए शबरी बिलन ने बेर इकट्ठे करके रखे थे, शबरी बिलन के मंदिर पर चलेंगे, और उसके बाद हम अमर बेल चलेंगे। बाकी अभी यहाँ से तो निकल रहे हैं, ये है राम कुंड, यहाँ पे हमने देख लिया, और आप लोगों के साथ भी शेयर करके काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी यहाँ से मुक्त होते हैं, काफ़ी लोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे दिन होता जाएगा लोग बढ़ते जाएंगे, तो हमने टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें कवर कर ली, और अभी वापसी जाने की
तैयारी है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुंडे और उस तरफ भी भाई लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं और अभी आ रहे हैं। ऐसे ये भीड़ बढ़ती जाएगी। पहले जब हम आए थे दो चार लोग थे, लेकिन अभी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ चुकी है और ऐसे ही ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। जैसे दिन निकल जाएगा ऐसे ही क्वांटिटी ये बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ से हम मूव होते हैं वापसी और अभी आगे दूसरा सफ़र शुरू करते हैं। तो गैस यहाँ से अभी हम वापसी जा रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से उतर रहे हैं। ये सबसे डिफ़िकल्ट और यहाँ से उतरने में दिक्कत होती है, तो ध्यान से उतरना होता है। जो यहाँ से अभी उतर रहे हैं लोग, तो ऐसे ही काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ क्रॉस करके रामकुंड हम पहुँचते हैं और हम वहाँ पे जाके स्नान करके अभी वापसी निकले जी। यहाँ से देखें तो गैस अभी ये चेहरे कहे जाते हैं और ये पूरी की पूरी पक गई है, रेड रेड हो गई, मतलब ये पक गई। तो ऑलमोस्ट बाहर की साइड में ये पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे माता रानी की धाम में भी है और ये रेड हो गए, मतलब ये पक गए। तो इसको हम कुछ लेते हैं खाने के लिए। ये सारे रेड पक्के नहीं है भाई, इसमें बड़े बड़े हैं ना वो पक्के हैं। ये देखो ये जय माता दी, अबे कांटे लग रहे हैं इसमें, यही कांटे खतरनाक है भाई। चलो चलो भाई तो गैस ये मैंने ले लिए तक 4 से 5 और ये खाने में बहुत बढ़िया है। तो भी निकलते हैं। तो गैस ये हमारे जत्थे के लोग यहाँ से जाते हुए लेट आए बलिंगराज मैया की। हेलो दो अबे, तो हम अभी वापसी जा रहे हैं यहाँ से। जय माता दी भाई, जय माता दी, जय माता दी। हमने बहुत ढूंढे, कोई भी हमें नहीं मिला, फिर हम अकेले निकले। जय माता दी बापू, बापू जय माता दी, जय माता की। तो गाइस काफी लोग अभी जा रहे हैं, हमारी जो काफिले के लोग हैं सारे सारे अब जा रहे हैं और हम के यहाँ से निकल पड़े हैं। यहाँ पे बैठे हुए भाई लोग, तो लोगों की जो संख्या है अभी बढ़ चुकी है और हम आसानी से होके आ गए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भीड़ भड़कम नहीं थी, आसानी से होके आ गए माता रानी की कृपा से। और भाई लोग अभी काफ़ी लोग अब जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बापू, जय माता दी बाबा, जय माता दी, माता दी। सब के सब अभी जा रहे हैं और हम यहाँ पे वापसी जा रहे हैं। तो भाई हमारे फैन मिल गए यहाँ पे मामू, ठीक है फिर, ठीक है ठीक है, ओके धन्यवाद। तो भाई लोग, भाई साहब अभी नींद में जा रहे थे और ये कराची से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो प्रॉपर निकला। असल में जो मैंने देखे थे इनको रात, बहरहाल से ये जा रहे हैं हम रामकुंड और हम यहाँ से अभी आगे निकल चुके हैं क्योंकि वापसी अभी हम नहीं जा सकते। सो सफ़र अभी कंटिन्यू है, देन अभी हम वापसी चलेंगे 26 बिलन जो बाग है वहाँ पे। बहरहाल हमारे ग्रुप के लोग आगे निकल चुके हैं और हम पीछे रह गए। सो लेस तो गाइस सुबह हम थोड़ा सा जल्दी उठे थे, हम तो इन भाइयों को हमने ढूंढा था लेकिन ये नहीं मिले थे। बराबर में खोलते ना बगल में छोरा शेर में डिंडोरा, हम कहीं और ढूंढ ढूंढ के थक गए और बराबर में ये भाई लोग सोए हुए थे। तो सोए हुए थे भाई आस्ते आस्ते से, अब ओके आओ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम ओके आ गए, आप आराम से ओके आओ, तब तक हम माता रानी के धाम पे बैठते हैं, ठीक है बाबू, ओके जय हो जय हो जय हो जय हो। तो हमारे ग्रुप के लोग आगे निकल चुके हैं और सुबह कल मैंने भाई को बोला था कि भाई हम थोड़ा आप साथ चलेंगे सब लोग, लेकिन सुबह मिले नहीं, फिर हम तो निकल पड़े क्योंकि हमें ज़्यादा चलना होता है, सारी चीज़ें बातें करते करते आप लोगों के साथ शेयर करते हुए चलना होता है तो देर हो जाती है उस वजह से। लेकिन भाई लोग नहीं मिले और हम ओके आ गए, बराबर ये ओके आ जाएंगे क्योंकि ये 3-4 दिन यहाँ पे, ये देखें ऊँट इस तरफ भी ऊँट है, ये पानी वगैरह भरने के लिए लेके जाते हैं बापू। थल सही ना बलूचिस्तान, जय माता नी बापू, जय माता नी। तो हमारे जो जत्थे के लोग हैं सब के सब तकरीबन अब जा रहे हैं और हम पहले पहले होके आ गए। तो अभी यहाँ से रास्ता, ये जो लोग आ रहे हैं वहीं से हम कट मारेंगे यहाँ पे ही माता। बस पहले हम जहाँ से आए थे, ठीक है, अभी यहाँ से हम क्रॉस मारेंगे इस तरफ। ये थोड़ा सा रास्ता न्यू है और थोड़ा डिफिकल्ट है। तो धर्म सिंह भाई आगे हैं, हम पीछे पीछे।
तो यहाँ से अभी ये दूसरा सफ़र, हमारा दूसरा पड़ाव शुरू होता है सुराशी घाट का। पहले हम होके आए थे सेम था, लेकिन ये थोड़ा सा न्यू रास्ता है। जय माता दी। तो गैस ये जो रास्ता है चपरी बीलन है, उसकी बाग की तरफ जा रहा है, और अभी हम आगे निकल चुके हैं और तकरीबन हम पहुँचने वाले चपरी बीलन की बाग है, उससे थोड़ा ही दूर है। बाकी सफ़र अभी कंटिन्यू है, धूप भी निकल चुकी है और काफ़ी अच्छा आनंद ले रहे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बोलते हैं एक यात्रा के लिए आए हुए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये भाई बिस्किट वगैरह लेके बैठे हैं, लेकिन इस दफ़ा चाय बिस्किट वाले बहुत बैठे हैं। लास्ट टाइम हम जब नवरात्रि में आए थे तब यहाँ पे कोई नहीं था, एक जना बैठा हुआ था, वो भी शबरी बिलन के बाग के पास। तो अभी यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं पहाड़ों के बीच में से। तो ये बड़े बड़े पहाड़ और बाकी जो है आपके सामने ही है सब। तो गैस ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रास्ता है, यहाँ से जाएंगे नीचे उतर के वो सामने जो नज़र आ रहा है वो ये शबरी बिलन का जो स्थान बना हुआ है वहाँ पे हमें जाना है। तो गैस अभी हम पहुँच चुके हैं शबरी बिलन बाग, जो मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बेर खड़ा हुआ है, और अभी वैसे आप लोगों को ऑलमोस्ट तकरीबन पता है कि भाई श्री रामचंद्र जब वनवास आए तो शबरी बिलन ने बेर इकट्ठे किए हुए थे, सारे के सारे चक चक के बेर इकट्ठे किए हुए थे। तो ये बाग में हम पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने कहानी तो वैसे ही सुनी होगी, आपने देखी भी होगी, लेकिन बाग ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे होगे और काफ़ी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को कि भाई ये चीज़ भी देखने के लिए हमें मिल गई। अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये है शबरी बिलन बाग जो हम क्रॉस कर रहे हैं, उनका जो स्थान भी बना हुआ है वहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे पहाड़ों के बीच में ये बाग है, ठीक है। ये है देखो बेर का दरख्त खड़ा हुआ है, और यहाँ से हम गुजरते जाएंगे आगे। तो गैस अभी हम पहुँच चुके हैं शबरी बिलन मंदिर, और यहाँ पे काफ़ी भक्ति भावना और काफ़ी यात्री बैठे हुए, चाय वगैरह बन रही है। पहले हम आए थे तब यहाँ पे हमने चाय पी थी, तो भाई वाले अभी यहाँ पे चाय पानी का सब प्रबंध किया हुआ है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी भक्त आए हुए हैं। हम माता शबरी बिलन के मंदिर में चलते हैं और आप लोगों को ये भी दिखाते हैं कि भाई यहाँ वहाँ पे बने हुए हैं सब कुछ, भक्ति वगैरह भी हुई। जो मंदिर बना हुआ है और काफ़ी अच्छा अभी हॉल भी बना दिया रहने के लिए, यहाँ पे जो यात्री आते हैं यहाँ पे रह भी सकते हैं, और सब कुछ अच्छा प्रबंध कर दिया। पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, ये रिसेंटली अभी हुई है। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है चाय वाले भाई साहब, तो यहाँ पे हमने बैठ के पहले चाय पी थी, और वहाँ पर शिव भोलेनाथ जी का शिवलिंग भी बना हुआ है, लेकिन उस तरफ हम बाद में चलते हैं। पहले यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे फिर निकलेंगे। तो भजन कीर्तन चल रहा है वो आप सुनेंगे उसके बाद निकलेंगे। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, काफ़ी चीज़ें जो नहीं थी मैंने लास्ट टाइम नहीं देखी थी वो सारी चीज़ें अभी आ चुकी हैं। ये जो स्थान है शबरी बिलन का, एक बार दोबारा से बताता हूँ भजन, ये जो स्थान है शबरी बिलन का है, जो श्री रामचंद्र के लिए बेर इकट्ठे किए थे। श्री राम आएंगे बोलते हैं मेरे राम आएंगे, आपने भजन सुना ही होगा। तो उसी तरह श्री रामचंद्र यहाँ पे आए थे और शबरी बिलन है बेर खिलाए थे, जो चक चक के बेर इकट्ठे किए हुए थे। चलो अभी भजन कीर्तन में थोड़ी देर बैठते हैं और चाय पीते हैं यहाँ से। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और लास्ट टाइम हम आए थे यहाँ पे चाय वगैरह पी थी, और यहाँ पे होटल भी है, खाना वगैरह भी बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने चाय यहाँ पे पी थी। तो भाई अभी कुछ बना रहे हैं, ये देखे पकौड़े वगैरह बनाए, सब्जी वगैरह बन रही है, रोटियाँ भी बन रही है इस तरह। तो गैस अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं
और अभी सफ़र चलता है अमर बेल की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रास्ता है, लेकिन माता रानी की कृपा से सब अच्छा और सफ़र बहुत ही बढ़िया निकल रहा है। अभी यहाँ से वो हो चुके हैं। तो गाइस लास्ट टाइम सीन ये हुआ था कि हम यहाँ से इस तरफ चले गए थे, रास्ता नहीं था तो वो ऊपर चले गए थे, तो हमें बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे असल में रास्ता यही है। यहाँ से हम जब आते हैं शबरी बिलन बाग से निकलते हैं तो रास्ता यहीं पे एरो भी दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखें जब कोई भी अपना हिंदू भाई आ रहा है तो उसको ध्यान में ये रखना है कि भाई इस तरफ से जाना, यहाँ पे एरो भी दिया हुआ होगा। ये देखो इस पत्थर पे एरो दिया हुआ है कि भाई यहाँ से चलना है, ये छोटा सा एरो लिखा एरो दिया हुआ है। यहाँ से अब जाएंगे अमर बेल की तरफ। तो गाइस सोराशी का सबसे डिफ़िकल्ट पड़ाव अगर देखा जाए तो ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से बराबर में से हमें गुजरना है। जय पहले ये अगर क्रॉस कर गए तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आसानी से जा सकते हो। जय माता दी। तो यहाँ से ये देखें लोग कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, और ये नीचे बहुत नीचे है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और बापूजी वाले जा रहे हैं, मैं तो थक गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही गहराई और बहुत ऊपर। तो यहाँ का जो सफ़र है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बस बाकी हमें नीचे जाना है, तो ये बिल्कुल जो नीचे जाएंगे यहाँ पे। और अभी यहाँ से स्लो हम नीचे उतरते जाएंगे, और वहाँ पर वायर बांधी हुई है क्योंकि यहाँ से नीचे उतरना है। काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं, काफ़ी लोग, हम तो यहाँ से घूम के आ रहे हैं, तो मैं दूसरी दफ़ा यहीं से आ रहा हूँ, और यहाँ पे हवा बहुत बढ़िया लग रही है। तो ये है माता रानी का धाम, और ये है भाई सोराशी की घाट, जिसे हम सोराशी धाम बोलते हैं। वो हम पूरा का चक्कर काट के अभी यहाँ पे एंड तक पहुँच चुके हैं। अब हम तिलकुंड चलेंगे और अमर बेल तक की तरफ चलेंगे। क्या आगे अब मूव होते हैं, और अपने हिंदू भाई जहाँ से जा रहे थे तो उनको थोड़ा सा रमेश भाई ने पानी वगैरह ऊपर पहुंचाया, धन्यवाद रमेश भाई, माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। बहरहाल थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन माता की राह में जब निकलते हैं तो डिफ़िकल्टी तो आती है। माता रानी ज़रूर आपसे हिसाब किताब तो लेंगी कि आप कितना प्यार करते हैं, कष्ट में छोड़ के चले जाते हो या माता रानी से जुड़े रहते हो। बाकी रमेश चलो आगे, मुझे नहीं पता तो धर्मशी कहाँ से जाना है, तो धर्मशी भाई काफ़ी गाइड करते हुए चले इस टूर में, और बहुत धन्य माता रानी इनके ऊपर कृपया बनाए रखे। और गाइस अभी अमर बेल सामने नजर आ रही हो, यहाँ पे हमें जाना है, तो अभी भी रास्ता है, तो यहाँ से स्लो जाते जा रहे हैं। यहाँ से अब स्लो घूमते नीचे उतरेंगे। अभी ऊपर से यहाँ तक आ चुके हैं, तो यहाँ पे उतरने में और जाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि ये रास्ता सबसे कठिन और सबसे ख़तरनाक रास्ता यही है। तो अभी यहाँ से हम धीरे धीरे से उतर रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हुआ चल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे माता रानी के धाम में जब सोराशी घाट निकलते हैं, तो जब सोराशी बोला जाता है कि पूरा एक ज़िंदगी का चक्र है, वो कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़, कभी आसानियाँ कभी डिफ़िकल्टीज ऐसे आती हैं, जो हम अभी हम देख रहे हैं वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम नीचे आ चुके हैं, और इतना डिफ़िकल्ट रास्ता नहीं था लेकिन थोड़ा सा कठिन था। अभी वहाँ से हम नीचे घूम के यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा और बेस्ट। बापूजी वाले पहले पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जय माता दी। यहाँ पे अमर बेल आगे, और यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे। भाई यहाँ से रास्ता है मेरे ख्याल से, हाँ इधर से ही। तो रास्ते पहले से डिफ़िकल्ट नहीं है भाई, पहले जब आते थे ना, आज से 10-12 साल पीछे जाते हैं तो बिल्कुल चलने की रास्ता नहीं था, फिर भी लोग आते थे। और ये सामने अमर बेल है, वो सामने पानी भर रहे हैं। वैसे अभी हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, लेकिन अभी कचरा वगैरह बहुत हो गया है यहाँ पे। देखें पहले ही दुकानें वगैरह, चाय वगैरह यहाँ पे नहीं होती थी, लेकिन अभी चाय की दुकानें लग चुकी हैं। और यहाँ पे ये अमर बेल है, तो यहाँ से लोग हमारे हिंदू भाई है जो पानी का वेट करते हैं, और पानी गिरता है फिर पानी लेके जाते हैं। ये देखें इसको कहा जाता है अमर बेल, ये अमर बेल कही जाती है। तो यहाँ का यह पानी घर पे लेके जाते हैं अपने घर में छंडा मारने के लिए। तो ये अमर बेल भी हमने देख ली,
सब जगह हम घूमते घूमते अब फाइनली बाहर निकल रहे हैं माता रानी के मंदिर के पास जाके हम निकलेंगे यहाँ से। माता रानी का जो मंदिर है वहाँ पे, तो स्लो स्लो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। और माता रानी ने आज धूप भी नहीं निकाली, बिल्कुल छाँव किया हुआ है अपने भक्तों के लिए। तो सफ़र काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे ये देखो पानी ये ख़राब हो चुका है, लेकिन जब मेला लगेगा तब इसमें इससे ही बहुत गंदा पानी हो जाएगा, क्योंकि अभी साबुन से नहाने लगे। पहले ये टाइम था कि साबुन से बिल्कुल कोई नहीं नहाता था और लोग कम आते थे, अब लोगों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है, उसी हिसाब से पानी भी ऐसा गंदा हो गया है। और यहाँ पे कचरा वगैरह साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने ये अमर बेल देख ली, ये सामने अमर बेल, और अभी यहाँ से हम निकलते हैं तिलकुंड की तरफ, जहाँ पे तिल धोए जाते हैं। तिलकुंड कहा जाता है और वो काफ़ी गहरा है तिलकुंड। यहाँ से ये रास्ता थोड़ा सा ग्रिल लगाई हुई है, क्योंकि चलने में थोड़ी दिक्कत होती है उस वजह से। यहाँ पे भी देखिए रास्ते कैसे, यहाँ से अब बता मुँह भेड़ा गया था हमारी वेट करने पर। बाबू जी लाने चाय का पता है, पंजाब रिवर का पता है, चाय चाय पी दी बताए पी दी ना कभी। हेलो दो रास्ते हैं गाइस, वहाँ से भी उनकी भी अभी जाइका ना, वहीं थी भी अली का बे साइड दे अभी दारा से मैं तिल कुंटम तिल कुंट भाई। हाँ जी माता रानी ने यात्रा देखो हमें करी ना यार, काफ़ी मुसीबतों मसला मिसाइल पत्थरा मती टिप्पू थोड़ा मुसीबत वाला रास्ता बताते करी ना, मैं वापसी आ रहा था तिलकुंड का रसी जाना। हाँ माता रानी धाम धाम करने रास्ते में से आता तो गाइस अभी अमर बेल से हम आगे आ चुके हैं और ये रास्ता सीधा माता रानी के मंदिर के पास जाके निकलेगा। और सारे सारे के सारे जो डिफिकल्ट पड़ाव या रास्ते हम सारे के सारे तय करके आगे आ चुके हैं। राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय श्री राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी हम पहुंच चुके हैं तिलकुंड, यहाँ पे तिल बहाए जाते हैं, या कैसे केवल क्या था तिल कैसे करते थे यहाँ पे? हाँ तिल तिलकुंड मतलब तिल को किया जाता था ना, हाथों से वाइट करते थे, हाथों से वाइट किया जाता था, जो काले लेके आते थे ना। हाँ उनको तिल को इस पानी में धोते थे, उसको फिर जिसकी नेत साफ थी उसका तिल अच्छे होते थे। अच्छा जी, या वाइट होते थे। हाँ और जिसकी नेत साफ नहीं थी वो काले के काले रह जाते थे। तो गाइस आज से अगर तकरीबन 10-15 साल अगर पीछे जाएं तो यहाँ पे हर चीज एक प्योर थी, प्योर मींस दैट रियलिटी हुआ करती थी हर चीज, क्योंकि लोग अच्छे होते थे तो ये सारी चीजें पवित्र लोग होते थे। लेकिन अब तो हम सारे के सारे अपवित्र हो गए हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे, ये तिलकुंड, तिलकुंड में जो तिल लेके आते थे, काफ़ी नाम काफ़ी लोगों के पास डिफरेंट होगा, तिल लेके आते तो इसमें काफ़ी तिल पड़े भी हुए, आपको मैं दिखाता हूँ। तो उसमें तिल को हाथ में लेके उसको थोड़ा सा घुमाया जाता था और वाइट होते थे और ब्लैक तिल होते थे। अब यहाँ पे ये देखें आपको वाइट तिल भी नज़र आ रहे हैं और ब्लैक भी नज़र आ रहे हैं। तो जिसकी मतलब एक नियत में खोट जिसे होती थी वो ब्लैक के ब्लैक रह जाते थे, और बाकी बिल्कुल अगर साफ़ सुथरा है तो उसके जो तिल है ना वो वाइट हो जाते थे। यहाँ पे आपको तिल ही तिल नज़र आ रहे हैं अंदर, देखें ये इसको कहा जाता है तिलकुंड। और इसमें काफ़ी सालों पहले एक पूरी की पूरी फैमिली समा गई है, अभी तक कोई पता नहीं है, तो ये बहुत गहरा है। तो गाइस यहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ देखने को मिली, यहाँ पे ये मछलियाँ बहुत सारी बहुत सारी देखें। तो अंकल ये बिस्किट वगैरह डाल रहे हैं तो सारी की सारी इकट्ठी हुई हुई है। अच्छा जय माता जी जय माता जी। तो गाइस अभी हमारी जो भी सोराशी या फिर सोराशी धाम हम पूरा का पूरा घूम के आ चुके हैं, सारी की सारी यात्राएं हमने कर ली। अभी माता रानी की मंदिर की तरफ हम मूव हो रहे हैं और सोराशी घूम के हम आते हैं सीधा माता रानी के मंदिर की तरफ पड़ता है, तो यहाँ से ये रास्ता है। और जब भी घूम के आता है यहाँ पे जो चुन्नी होती है यहाँ पे बांधते हैं, ये देखें जो हाथ में फोर सपोज ये मैंने जो बांधी हुई है, लास्ट में जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे बांधते हैं, सोराशी घूम के आते हैं। हर किसी की अपनी अपनी मनोकामना होती है हिसाब से। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं माता रानी के धाम पे, ये सामने माता रानी का मंदिर जो नज़र आ रहा है, हम सी घूम के फिर यहाँ पे पहुँचे। तो ये सामने माता रानी का मंदिर और हम अभी पूरा राउंड सोराशी धाम ओके
यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे पहुँच चुके माता रानी के धाम। और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही आनंद भरा। और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई, लेकिन माता रानी की कृपा से हम सुरक्षित पहुँच चुके हैं माता रानी के धाम पे। ये सामने माता रानी का मंदिर। तो वह 16:30 को हवन है, तो यहाँ पे यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, साफ़ सफाई वगैरह कर रहे हैं। 16 तारीख को बहुत बड़ा हवन होगा यहाँ पे, यहाँ पे यह महायज्ञ हवन। तो इसी तरह 16 तारीख को होगा, लेकिन मैं आज निकल जाऊँगा और हवन में नहीं स्टे कर करें। तो गैस यहाँ पे अपने हिंदू भाइयों का घर है, यहाँ पे माता रानी की पूजा पाठ भी करते हैं और उनकी रियाज भी यहीं पे। चलो भाई देखते हैं। और जो पंख खोल के खड़े हुए, और यहाँ पे इनका घर है, चलो घर विजिट करते हैं। ये इनका घर है जहाँ पे माता रानी के धाम में यहाँ पे रहते हैं। जय माता रानी। पे मानसिंह भाई वाले यहाँ पे चाय पी रहे हैं सबके साथ। जय माता दी बाबू, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये छोटी सी इनकी कुटिया बनाई हुई है, यहाँ पे मानसिंह भाई वाली तो यहाँ बैठे हुए चाय पी रहे। जय माता दी, पिलाओगे तो पियेंगे भाई। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और चाय वगैरह पी के फिर चलते। ठीक है, जय माता की। तो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं और अपने जो केवल भाई वाले वेट कर रहे हैं, यहाँ निकल गए। और ये अपने हिंदू भाई हैं, यहाँ पे रहते हैं। ये माता रानी का धाम है, खुश नसीब है ये जो माता रानी के सामने यहाँ पे रिहाइश करते हैं और यहाँ पे रहते हैं। और केवल भाई वाले ये खड़े हुए आ गए, और उठते ही माता रानी के धाम पे सीधा जाते हैं, यहाँ पूजा वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ये भाई कपड़े वगैरह हैं बाबू। तो वैसे अभी यहाँ से निकलते फ्रेश होके आ गया था मैं, बराबर में अपने हिंदू भाई का जो घर था वहाँ पे मैं फ्रेश होके आया। फिर माता रानी की आरती चल रही है, तो वहाँ पे मैं गया और माता रानी के चरणों में लग गया। वहाँ भक्ति भावना चल रही है, जिस वजह से ज़्यादा नहीं रुकने दिए, क्योंकि बीच में नहीं रुकने देते हैं। वहाँ पे भक्ति चल रही है, माता रानी की पूजा चल रही है, इस वजह से। तो यहाँ से बराबर अभी यहाँ से निकलते हैं। और ये माता हिंगलाज का धाम, और ये है माता शेरा वाली का धाम बोले, या माता हिंगलाज का धाम बोले, माता पहाड़ा वाली का धाम बोले। तो सोराशी का चक्र काट के यहाँ पे घूम के फिर यहाँ पे पहुँचे, और इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि पूरा सोराशी का हमारा एपिसोड ही अलग। बाकी अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, मार्केट में देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं। मार्केट मतलब कि जो खिलौने वगैरह है, उनका ब्लॉग ही हम अलग बनाते हैं। और आज हम वापसी निकलेंगे माता रानी के धाम से, और आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। माता रानी की कृपा से, माता रानी की आशीर्वाद हम हमेशा आपके ऊपर बना रहे। और इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही कोई न्यू टूर देखने के लिए। और रखिएगा दुआओं में याद। जय माता दी, जय सनातन धर्म।